वहीं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की ओर से भेजी गई बसों को परमिशन नहीं दिए जाने को लेकर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार को मजबूत सरकार मानते हैं, लेकिन किसी की मदद लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। तो वहीं पायलट ने टिड्डी अटैक और मनरेगा को लेकर भी अपनी बात रखी। आप मुझे बताइए, इतनी बड़ी और मजबूत सरकार यूपी की मानते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, किसी की मदद लेने से कोई छोटा बन जाता है क्या? आप कर रहे होंगे अपना काम, लेकिन अगर कांग्रेस ने, प्रियंका गांधी जी ने कहा कि मैं अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से, इस सरकार ने नहीं किया, राजस्थान सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने 1000 बसें अगर श्रमिकों के आवागमन के लिए प्रोवाइड करी थी, तो इसमें क्या गलत किया? मदद करना, मानवता के भाव में आकर लोगों की हेल्प करना, ये गलत नहीं है, लेकिन बेवजह अड़चन पैदा करना, लोगों को अरेस्ट कर लेना, FIR कर लेना, नुक्ताचीनी करना। और भारत सरकार ने कहा कि 30 जून तक किसी गाड़ी को कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, कोई कागजी कार्रवाई नहीं है, सबको छूट दी थी भारत सरकार ने। फिर कह रहे 990 थी, 800, मैं तो कहूँ चाहे 5 ही बस थी। अगर कोई गरीब अगर अपने घर पहुँच रहा था तो उसको बेवजह रोकने की क्या ज़रूरत थी कि पहली बार ये टिड्डी का जो दल है इतनी आगे तक पहुँच चुका है। और केंद्र सरकार का एक अलग विभाग होता है, राजस्थान सरकार ने पहले भी उनसे आवेदन किया, लेकिन अब क्योंकि संकट बहुत है, किसान गरीब वैसे ही पिस रहा है, इस टिड्डी से और नुकसान ना हो टिड्डी से, इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत सरकार और अधिक पैसा, साधन सामग्री, मशीन भेजे और एक युद्ध स्तर पर इसको टैकल करना पड़ेगा, क्योंकि ये अब जयपुर तक पहुंच चुका है, जयपुर के आसपास के इलाकों में। तो मैं बहुत चिंतित हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द इसका कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। आज नरेगा में राजस्थान में काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में नंबर एक राज्य राजस्थान बन चुका है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड टूटा है, लगभग 37,000 काम हमने स्वीकृत किए हैं 1900 करोड़ के, और हमने कहा जो बाहर प्रवासी वापस राजस्थान में आएंगे उनको बहुत आसानी से जॉब कार्ड बनेगा, और जो उनका क्वारंटीन का समय है 14 दिन, उस समय को इस्तेमाल करेंगे ताकि उनको काम स्वीकृत किया जा सके, ताकि उनको डिले ना हो। क्योंकि जिस श्रमिक को वापस जो आ रहा है आज बेरोजगार है, नौकरी नहीं है, उसको एक महीने बाद काम देंगे, बेचारा भूखा मर जाएगा। इसलिए 220 रुपये का हमने जो पैसा देने का काम है वो सीधा खाते में उसके जा रहा है। मैंने केंद्र सरकार को कहा है कि और पैसा दें, रोजगार के दिन 100 की जगह 200 कर दें, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हमने नारा दिया है एक गांव चार काम, और ये चारों काम हो रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि लोग अपने खेतों में अपने मकानों का निर्माण कर रहे हैं और उसका उनको दिहाड़ी मिल रही है, तो दोनों तरफ से गरीब व्यक्ति को फायदा।